हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्लस्टर में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो इंटरव्यू होना है हायर एजुकेशन का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें केमिस्ट्री का इंटरव्यू। किस डेट की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री का डेट आ चुका है, 25 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल तक होगा। 50 बच्चों का स्लॉट बना रखा उन्होंने। तो आपको जो इंटरव्यू, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, वेबसाइट पर लिंक दे रखा है, तो आपका इंटरव्यू डेट अपलोड हो जाएगा। यदि अभी नहीं हो रहा तो आसपास हो जाएगा, तो आपको ये डेट मिल जाएगी किस दिन आपका इंटरव्यू है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी है। वो पहली तैयारी आपकी है डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो चाहिए उसमें कुछ भी हो सकता है आपके पास अभी ना हो, आपको चाहिए होगा। तो आपके पास हाई स्कूल का पहला जो आपकी है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों एक में है तो कोई बात नहीं। इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट मतलब 10+2 का, बीएससी का 3 ईयर का, यदि सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर आपके हो गए। उसके बाद आपका एमएससी का सारे सेमेस्टर वाइज सारे सेमेस्टर की मार्कशीट की फोटो कॉपी चाहिए, और डिग्री भी चाहिए, बीएससी की डिग्री चाहिए और एमएससी की डिग्री भी चाहिए। साथ ही आपको क्या चाहिए, आपको नेट जीआरएफ जो आप है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। पीएचडी यदि आपकी कंप्लीट हो गई तो पीएचडी का अवार्डेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि परसुइंग है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब अगला आता है आपका मुद्दा, उसमें ये कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट आपको नया चाहिए, नया इन द सेंस ये यदि वो 5-6 महीने पुराना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा पुराना है तो आप नया अप्लाई करते बनने के लिए, क्योंकि ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट लेटेस्ट चाहिए होता है, यानी उसकी जो वैलिडिटी वो 1 ईयर से अबव ना होने का है। 2022 का बना हो, यदि अभी बात करें 2022 में बना तो ठीक है, यदि 21 में बहुत पीछे बना है तो आप अप्लाई करती है, बन जाएगा, टाइम आपके पास है। दूसरी बात हम करते हैं, उसमें जो है कि आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है रेफरेंस लेटर की। तो देखिए, रेफरेंस लेटर आप किसी से भी ले सकते हैं, जैसे आप यदि एमएससी कर रहे हैं, मतलब जहां से पीएचडी कर रहे हैं आप, तो वहां से अपने गाइड से ले लीजिए। 2 फैकल्टी से लेना आसान है, क्योंकि फैकल्टी आपको पहचानना है तो रेफरेंस लेटर आपको दे देगा। कॉमन सा फॉर्मेट है, वो आप गूगल दे सकते हैं, वरना टीचर को खुद पता होता है हमें क्या लेके देना है, बस उन्हें ये लिख देना कि आप इन्हें जानते हैं और इनका व्यवहार अच्छा है। वो चाहे फॉर्मेलिटी है, लेकिन वहां चाहिए, वहां पर आपको चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका टीचर से नहीं हो पा रहा है तो आप अपने प्रधान से ले सकते हैं, या आपका जो वहाँ अधिकारी है किसी डॉक्टर से ले सकते हैं, जो सरकारी डॉक्टर है उनसे, प्राइवेट से नहीं, सरकारी डॉक्टर से ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपने लेटर पैड पर लिखना है, ये ध्यान रखना है, लेटर पैड पर लिखा होना चाहिए तो थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव होता है। अब अगला मुद्दा आता है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन चाहिए, जहां आप कर रहे हैं, मान लीजिए एमएससी करने के बाद पीएचडी ज्वाइन कर ली, या बीएड ज्वाइन कर लिया, या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो जहां इस समय जो कोर्स कर रहे हैं वहां से आपका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कैडर सर्टिफिकेट लास्ट का, वो आप तैयार करा लीजिए, आपके पास टाइम है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए कैडर सर्टिफिकेट, रेफरेंस लेटर 2 आपको जो चाहिए वो, कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपका दिक्कत है तो वो, डिग्री आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, जहां अप्लाई करिए वहां एक एप्लीकेशन लगाइए, सर मेरा इंटरव्यू है मुझे डिग्री जल्दी चाहिए, वहां हमें यूज करनी है। ये सब हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब डॉक्यूमेंटेशन किस क्रम में लगाना है, वह क्रम आपको जो इंटरव्यू जो आपका एडमिशन निकला था उसमें दे रखा था। यदि आपके पास नहीं है तो मेरा नंबर है 7905544237 और 8799506354, इन पर कॉन्टेक्ट करके आप उससे ले सकते हैं। अदरवाइज इंटरव्यू जब आपको लेटर अपलोड होगा उसमें भी आपको मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स जो अरेंज करना है उसी सीरियल में अरेंज करना है, ध्यान रखिए, और करिए क्या, जो आपको मिलेगा उसकी 3-4 कॉपी करा लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट जब अरेंज करिएगा तो टिक कर दीजिएगा, हाँ ये डॉक्यूमेंट मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो क्रम से उसी क्रम में अरेंज करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसी क्रम में आपको अपना जो फाइल बनाएंगे, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे आप, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसी क्रम में अपनी फाइल में लगाना है, ताकि आपको वहां पर वेरीफाई करना इजी हो। भाई उनका हाईस्कूल सर्टिफिकेट आपने खोल के दिखा दिया, ओपन करके फाइल, इंटर सर्टिफिकेट जो भी कहा, तो उसी क्रम में यदि आप जिस क्रम में आपका फोटो कॉपी है, यदि उसी क्रम में आपका ओरिजिनल भी लगा रहेगा आपकी फाइल में, तो उस समय आपको थोड़ा टाइम भी बचेगा और ढूंढना आसान रहेगा। ये तो बात होगी डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत उसमें टेंशन नहीं। यदि कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स में समझने में आप उसमें, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या दिक्कत आ रही है। अगला मुद्दा आता है ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड के लेके देखिए क्या, नॉर्मली आपको पता है कि इंटरव्यू कहीं भी जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाते हैं, जाना चाहिए, उससे फर्क ये पड़ता है कि सामने जो बैठा आदमी होता है, मतलब जो इंटरव्यू में 4 लोग कम से कम कमेटी होती है, एक आपका मेंबर रहेंगे, 3 फैकल्टी होते हैं, तीनों फैकल्टी यदि हम केमिस्ट्री की बात करें, सोचता है उसमें 3 ब्रांच से हो या कोई 2 ब्रांच हो सकता है, तो ये आपको पता नहीं होता, किसी मान लिया पहचान रहे पहले कहीं देख रखा है तो अलग बात है, वरना ये कन्फर्म है कि एक आपका मेंबर और बाकी 3 फैकल्टीज रहते हैं, कभी कात कम हो जाता है, लेकिन 4 मेंबर की बड़ी होती है, ठीक है, उसकी बात हो गई। ड्रेस कोड का बड़ा इंप्रेस पड़ता है, आपको लगता है कि आप थोड़ा इंटरव्यू भाई आप क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं, तो थोड़ा आपके अंदर जो है गंभीरता है, आप समझते हैं इस चीज को कहाँ कैसे जाया जाता है। दूसरा, यदि गर्ल्स के लिए हम बात करें तो हम ये नहीं कहते कि आप साड़ी पहनिए, लेकिन हम लोग जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कई फीमेल कैंडिडेट कहना था क्योंकि हम साड़ी पहन करते थे, नंबर अच्छे मिले। और ऐसे यूपी में बहुत से कॉलेज हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ड्रेस कोड है कि आपको साड़ी पहनकर ही कॉलेज आना है, भले आपको ये ऑड लगे, लेकिन बहुत से कॉलेज में है, प्रबंधन भी चाहता है, प्रिंसिपल भी चाहते हैं कि उनका कहना है कि साड़ी पहन के आपको आना है, तो यहाँ आपकी इच्छा आपको ऊपर है, लेकिन यदि कर सकते हैं तो अच्छा रहता है,
सामने वाले पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि यूपी में भाई प्रधान है, तो ठीक है ये बात तो है आपका, ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन करें तो अच्छा है। आगे हम बात आते हैं जो ड्रेस कोड की। दूसरा आपको इंटरव्यू को लिए आप बहुत टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में हर से आपकी खुद तैयारी कर लीजिए। सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अपने पर विश्वास, इसका ही सारा खेल है। तो आपको अपने पर विश्वास रखना है और इंटरव्यू अच्छे से देना है। जब जिस दिन आपका इंटरव्यू उससे एक दिन पहले पहुंचे, कभी भी उस दिन पहुंचने का प्रयास मत करिए, क्योंकि पीजी वाले मैटर में बहुत बच्चे थे जिनका उस दिन इंटरव्यू था और वो ट्रेनों में फंस गए और थोड़ा लेट से पहुंचे तो इंटरव्यू नहीं दी। इसलिए आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है। इंटरव्यू के एक दिन पहले पहुंचे थी, आप आउटसाइड से आ रहे हैं तो उस दिन इंटरव्यू देने जाइए, बहुत अच्छे मन से जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस आपने अटेंड में कर दिया, इंटरव्यू की आप तैयारी करके आए। अब मुद्दा था इंटरव्यू की तैयारी मैं कैसे करूं। यदि हम केमिस्ट्री बोले, हम केमिस्ट्री क्या, आप केमिस्ट्री बारे में बता सकते हैं। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है कि लगभग जो बच्चे बुलाए गए हैं तो ऑन एवरेज आपको 10 मिनट से 12 मिनट मिल सकता है, क्योंकि 50 बच्चे को इंटरव्यू होना है और साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी चलेगा, तो 10 मिनट से 12 मिनट आपको मिलेगा। इंटरव्यू में आपको जाना है, उसके बाद जो ज्यादातर इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हमारे फ्रेंड्स लोग का इंटरव्यू से बात हुई, तो उसमें क्या होता है आपको पढ़ाने को मिलता है। आपसे पहले वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन पढ़ाने के लिए कहते हैं, तो पढ़ाने के लिए आपको मैंने पहले कहा कि क्योंकि आप बीएससी में कहीं ज्वाइन करते हैं तो यूपी में जो एडेड कॉलेज हैं वहां पर स्पेशलाइजेशन सिस्टम बीएससी में नहीं है। तो बीएससी में आप यदि बायो बैकग्राउंड से हैं, यदि आपका बीएससी बायो रहा है तो भी आपको फिजिकल मिल सकती है, और यदि मैथ्स से है तो वाली है ही। तो आपको बीएससी में तीनों पढ़ाने को मिल सकता है, इसीलिए वहां आप तीनों के मूड से जाइए। क्योंकि मान लीजिए आप जाते हैं उन्होंने कहा फिजिकल पढ़ा दीजिए, या आपने ऑलरेडी पढ़ाया, दूसरा कोई फैकल्टी जो आपके इंटरव्यू में आए हुए हैं आपके एग्जामिनर, वो फिजिकल बैकग्राउंड क्या है, तो कहेंगे फिजिकल कुछ पढ़ा दीजिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे फिजिकल नहीं आती है, क्योंकि उनका पहला ही क्वेश्चन होगा कि आप जहाँ अपॉइंट होने जा रहे हैं वहां तो आपको तीनों पढ़ानी है, वहां तो आपको तीनों पढ़ानी है, क्योंकि हम जिस कॉलेज में है वहां पर बहुत बड़ा स्टाफ है, 36 का स्टाफ रहा है, इसमें भी 33 लोग हैं, इसके बाद भी बीएससी में ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं है, तीनों पढ़ानी पड़ती है। तो ये रूल ही है कि आपको तीनों पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप तीनों प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों में एक एक टॉपिक ऐसा तैयार करना है कि यदि वो कहें पढ़ाने के लिए कि ऑर्गेनिक कुछ पढ़ा दिए तो मैं पढ़ा सकूं, इनऑर्गेनिक में कहें कुछ पढ़ाने के लिए पढ़ा सकूं, और फिजिकल में यदि कुछ कहता है तो मैं पढ़ा सकूं, वहां मुझे उस समय टेंशन ना हो कि मैं क्या पढ़ाऊं। तो पहले से आप प्लान करके घर से अभी से तैयार कर ले मुझे क्या पढ़ाना है, फिजिकल में यदि हुआ, ऑर्गेनिक में हुआ, इनऑर्गेनिक में हुआ। अब यदि आपको फ्री कर देते हैं कि कुछ भी पढ़ाइए तो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो उसमें पढ़ाइए, ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाइए, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जाए घर में, उससे पहले आप चाहें तो बोर्ड यदि आपके पास हो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपने कहीं पढ़ा रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहली बार अपना अकेले प्रैक्टिस कर लीजिए, रिलैक्स मोड में पढ़ाइए, सिस्टमैटिक पढ़ाइए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत विनम्र भाव से उसका आंसर दीजिए, बहुत टेंशन में या बहुत नाराज होने की एटीट्यूड दिखाने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी फैकल्टी रहते हैं बहुत सीनियर मोस्ट रहते हैं, उनकी कौन सी बात आपकी बुरी लगे इस पर भी ध्यान रखिए कि बहुत एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स मोड उनको पीछे बताइए। अब अगला मुद्दा आता है कि सर हमें पीएचडी यदि हमें तो क्या करना है, तो देखिए यदि आपका पीएचडी है तो ये आपका नहीं है तो भी ऐसा कोई बहुत नुकसान नहीं, लेकिन आपका पीएचडी है तो अपनी थेसिस लेकर जाइए, थेसिस करिए कि आपकी फाइल जो रहेगी फाइल के ऊपर थेसिस रखिए, अंदर जब आप जाएंगे तो अपना ये बैग तो आप लेके जाएंगे ही सुरक्षित रखने के लिए, मान लिया अपना डॉक्यूमेंट लेके आए तो बैग आप बाहर रखिए और अंदर जाइए तो फाइल अंदर लेकर जाइए और थेसिस साथ लेकर टेबल रहती वहां रख सकते हैं टेबल पर। तो थेसिस आप खुद ही पूछेंगे कि थेसिस में ये यदि आप पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी उनको बताइए, क्योंकि आपके टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे यदि आपके टॉपिक से पूछा जाए तो अपना रिसर्च जो वर्क है वो बहुत छोटे शब्दों में निकाले, बहुत इन शॉर्ट आप उन्हें बता सके, उसमें डीप जो पूछा अलग बात है, लेकिन आपसे पूछे तो उसका एप्लीकेशन क्या है या आप क्या कर रहे हैं, उस फील्ड पे कौन काम कर रहा है, ये सब चीजें आपको तैयार करके पहले से जानी है। पीएचडी आपकी है तो पेपर का फर्स्ट पेज जो है उसमें लगना नहीं है, लेकिन जितने पेपर आपके हैं उसका फर्स्ट पेज भी आप फोटोकॉपी करा के ले जाइए, उसमें आपसे पूछ ले वो जो थीसिस आपकी उसी में उसको लगा कर ले जाइए। इतनी चीजें ध्यान रखनी है और इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना है। जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए सभी के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये नहीं कि मेरा सर कम है ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से किसी को भी नंबर जितना मिले आप जो रिटर्न में आपको करना था आपने कर दिया, इंटरव्यू परफॉर्म करिए और सिलेक्शन लीजिए। और यदि किसी तरह की दिक्कत होती है इंटरव्यू में, मतलब आप इंटरव्यू पढ़ने में या समझने में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 7905544237 और 8799506351। तैयारी में अच्छे से जुट जाए, अभी देखिए आपका जैसी मेंस का एग्जाम है वो देना है, केमिस्ट्री आपको थ्रू आउट पढ़नी है, बस वहाँ पढ़ाने के लिए टॉपिक से डिसाइड कर लीजिए, बाकी भाई पहले जीआईसी मेंस है फिर आपका पॉलिटेक्निक है, तो तैयारी लगातार करनी है, अच्छे से तैयारी करिए, इंटरव्यू दीजिए, सभी को शुभकामनाएं, गुड लक, थैंक यू।